फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग आए हैं उसे घर के हेरिटेज विलेज। हम लोग फिलहाल आ गए हैं एंट्रेंस में, चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग जैसे देख सक रहे होंगे मिट्टी का घर है चारों तरफ, जैसे हेरिटेज विलेज बोलते हैं। तो हम लोग पहले जो रास्ते में जो पहला मिट्टी का घर मिला उसके अंदर हम लोग आए हैं, और जैसे देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जो पुराना है, काफी पुराना होने की वजह से टूट फूट गया है, काफी जगह से रिनोवेशन भी हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में। देखिए वाटर टैंक आपको दिख रहा होगा, काफी सुंदर सा मिट्टी का बना हुआ है। देखिए मेरे चारों तरफ पुराने जमाने का जो घर दिख रहा है, काफी लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए, उसमें से हम लोग भी हैं जो आज पहुंच गए हैं ये देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए भी। ये विलेज का भी भूल भुलैया जैसा है, देखिए किधर से निकले किधर जाए चारों तरफ रास्ता ही आपको दिख रहा है। देखिए पहले जमाने में कैसे छत बनता था, ये ऊपर देखिए मेरे। नीचे से ऊपर तक आपको लेकर चलते हैं सीढ़ियों के थ्रू और दिखाता हूं आपको ऊपर से भी नजारा यहां का कैसा है। तो हम लोग जैसे ऊपर चढ़ रहे थे तो देखिए आप लोगों को पुराने जमाने का विंडोज आपको दिख रहा है कैसे थे। हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे लोगों को दिखाने के लिए। जो पुराने घर है आप लोगों ने देखा, उधर से हम लोग आ गए हैं किस जगह पे, जहां यहाँ सराउंडिंग में देखिए एक गोलाकार है। पहले जमाने में मेरे को लगता है लोग यहाँ आकर बैठते उठते होंगे, सारे जो गांव के लोग होते होंगे इतने जगह पे। पहले के जमाने में जैसे छत पे पानी जम जाता होगा तो छत पर रुके नहीं, उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए हम लोग फिलहाल आ गए हैं एक पुराने घर पे और मैं आपको दिखाता हूं कैसे, जो लोग गांव नहीं देखे होंगे उनको पता नहीं होगा, हम लोग तो देखिए पहले के जमाने में कैसे छत बनता था। ये देखिए नीचे से ये पिलर है, पिलर के ऊपर ये लकड़ियों का बेस बना हुआ है और मट्टी और इसे
जैसे छत बना हुआ है ये आपको दिख रहा होगा। तो पहले के जमाने में जैसे, मैं तो गांव गया हूँ मेरे पता है, जैसे रात को चिराग रखते थे वो जगह भी देख लीजिए आप यहाँ बना हुआ है। फिलहाल एक ऐसे घर में आ गए हैं जो पुराने घर को रिनोवेट किया गया है। आप देखें इधर वॉश बेसिन, टॉयलेट्स सब लगे हुए हैं। और इधर आएंगे तो आप देखें एक मस्जिद जैसा है, लोग यहाँ प्रेयर कर सकते हैं। और चलिए ऊपर चलते हैं, थोड़ा आपको ऊपर भी ले जाकर मैं दिखाता हूँ। सीढ़ियों के थ्रू हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये देखिए अभी सीमेंटेड है, ये थोड़ा रिनोवेट हो गया है। चलिए छत पे चलते हैं हम लोग। आप लोगों को दिखाने के चलते हम लोग ऊपर तो आ गए, लेकिन आप लोग कभी ऊपर आने का ट्राई ना करें, ये बहुत रिस्की है क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है, पुराना है, कभी भी गिर सकता है, इसलिए आने की कोशिश कृपया ना करें। मैं सोच रहा था कि इतना सारे घर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कुआं क्यों नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन अभी मेरे को दिख गया कुआं। चलिए मैं आपको कुआं भी दिखा देता हूं यहां का। ये रहा, देखिए ये है कुआं, लेकिन काफी ढका हुआ है इसलिए शायद न दिखे। जिस जगह पे घूम रहे हैं वो तकरीबन 1000 साल पुराना है। उस जमाने में जो यहाँ के राजा थे उनका बेटे का ये घर इस साइड है, और ये जो है घर, जो गवर्नर थे उस जमाने में उनका घर ये है। तो आप देख सकते हैं कि काफी रईस लोगों का घर इस इलाके में था, क्योंकि उस जमाने के जो गवर्नर थे उनका घर और उनका खानदान के बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ है। हमारे पीछे देखिए जो एक उस जमाने का जो पहला स्कूल था इस जगह पे था, तो मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको बाहर से बता सकता हूँ कि स्कूल इसी जगह पे था। चलते चलते मस्जिद भी मिल गया हम लोगों को उस जमाने का, ये उस जमाने का मस्जिद है। चलते हम लोग आ गए अल ओमर ट्रेडिशनल हाउस में, तो चलिए थोड़ा अंदर भी जाके देखते हैं। दोस्तों उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम था, तो मैं आपको वो भी दिखाता चलूं। हम लोग चलते चलते एकदम लास्ट एंड में आ गए हैं जहां इन लोगों का खेती बाड़ी होता था, और जो पुराने कुछ घर भी हैं इधर, लेकिन इन लोगों ने उसे रिनोवेट नहीं किया है, तो मैं सोचा इसे भी आपको दिखाता चलूं। दोस्तों आपने देखा कितना सुंदर ये हेरिटेज गांव था, काफी बड़ा था, सब कुछ तो दिखाना संभव भी नहीं था। हम लोगों ने तो घूर कर सारा कुछ देखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।